डू यू नो 90% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स लूज देयर 90% ऑफ द कैपिटल इन द फर्स्ट 90 डेज एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि लॉसेज होने के बाद वो दोबारा स्टॉक मार्केट्स में एंटर ही नहीं करते. इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम माइनस और जीरो इन ट्रेडिंग और इन स्टॉक मार्केट्स. हाई, माई नेम इज सचिन गर्ग एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 lakh यंगस्टर्स टू बिल्ड एन एम्पायर इन स्टॉक मार्केट्स without relying on someone else and by learning the markets of their own. So let's begin in this video. This video is based on foundation, mastering 4 things, and at the end I'm going to share with you the game plan. So stay till the end and take notes. First, in foundation there are few things. Number one, you have to treat trading like a business. You have to treat stock markets like a business. Let me show you an example that will be more clear to you. In business, you can see business mein kya hota hai ki there is buying and selling. Ek jana buy kar raha hota hai aur ek sell kar raha hota hai, usko business bolte hain. Exchange hota hai jisme. Business mein kya hote hain, profits bhi hote hain, losses bhi hote hain. इट डजेंट मीन कि हर बार प्रॉफिट्स ही हो, बिजनेस में कुछ लॉसेज भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं. एंड इन बिजनेस देर इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, तो देर आर मोर चांसेस कि आपकी सेल्स बेटर हो. ओके, योर बिजनेस इज मोर सक्सेसफुल. सो इन द केस ऑफ ट्रेडिंग, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें स्टॉक मार्केट्स में, उसमें भी बाइंग सेलिंग होती है शेयर्स की. एक जाना शेयर बाय करता है, एक सेल करता है. ओके, उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है. एक जगह हम शेयर बाय करते हैं सेल हाई, तो उसमें प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस भी होता है. और एक क्वालिटी स्टॉक, अगर हम एक अच्छा स्टॉक बाय करते हैं और उसमें अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, तो यू हैव टू कंपेयर बोथ एंड यू हैव टू ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस. आपको जो स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसको आपको बिजनेस की तरह लेना है. ओके, दिस इज द फर्स्ट फाउंडेशन. सेकेंड, यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस. फॉलो अ प्रोसेस मीन्स कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. बिना प्रोसेस के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है. लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स सो दैट इट विल बी क्लियर, मोर क्लियर टू यू. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनी मैनुफैक्चरिंग कंपनी जो कपड़े को मैनुफैक्चर करती हैं, या कोई फैशन डिज़ाइनर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, एक स्केच तैयार करते हैं, फिर वो रॉ मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, अच्छी क्वालिटी का क्लोथ प्रिपेयर करते हैं, थ्रेड हो गया, फिर वो डिफरेंट साइजेस देखते हैं, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, फिर वो उसको सिलाई करते हैं, सीविंग करते हैं, देन एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, टी शर्ट और शर्ट्स. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. एवरीथिंग इज़ अ प्रोसेस. लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल. जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है, एग जनरेट होता है, बेबी की फॉर्मेशन होती है, फिर उसके बाद बेबी मदर के पेट में कुछ मंथ्स के लिए स्टे करता है, 0 to 9 months, देन एट द एंड रिजल्ट इज बेबी. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस. अनदर एग्जाम्पल, योर डेली रूटीन. यू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू टेक शावर, यू वेल गेट ड्रेस्ड एंड यू डू ब्रेकफास्ट. दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस. हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. सिमिलरली इन ट्रेडिंग देर इज ऑल्सो अ प्रोसेस. जैसे हमारी डेली रूटीन में प्रोसेस होता है, सिमिलरली ट्रेडिंग में भी एक प्रोसेस होता है. यू हैव टू फॉलो दैट. इन द एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड द गेम प्लान आई विल शेयर विद यू द ट्रेडिंग प्रोसेस. सो स्टे टिल द एंड. नंबर थर्ड इज सेट ऑब्जेक्टिव. सेट ऑब्जेक्टिव मीन्स कि जस्ट 10 to 30%. सपोज करो कि आपके पास 1 lakh रुपया इन्वेस्ट करने के लिए है, तो उसको आप ये मत अज्यूम करो कि मैं 1 lakh से 10 lakh रुपया कर दूंगा विद इन फ्यू डेज. दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. आपको ये सोचना है कि मैं 1 lakh से 10 or 30% के बीच में एक्सपेक्ट करूँ. मतलब 1 lakh का 10 to 30% मीन्स 10,000 से 30,000, मीन्स दैट इज़ योर प्रॉफिट्स. उतना आप अज्यूम करो. अगर आप उसका 10x अज्यूम कर रहे हो, जैसे 1 lakh से 10 lakh, तो उसके लिए हमें टाइम भी चाहिए. दैट नीड्स अ गुड स्टॉक और एटलीस्ट 10 to 15 years, और द कंपनी विच यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट शुड बी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग. सो दिस इज द फाउंडेशन स्टेप्स. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द मास्टर 4 things. नंबर 1 इज
कलेक्ट मनी एज अ बिजनेस और विड्रॉ मनी. हमने फर्स्ट फाउंडेशन में क्या बोला, ट्रीट लाइक अ बिजनेस. आपको ट्रेडिंग को, स्टॉक मार्केट्स को बिजनेस की तरह अज्यूम करना है. ओके, नाउ यू हैव टू कलेक्ट मनी एज अ बिजनेस. व्हाट डज दैट मीन? जब हम बिजनेस करते हैं, हम एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके बजाय हम उनसे पैसे लेते हैं. एक प्रोडक्ट सेल किया, उसके बजाय रिटर्न में हमें पैसे मिले, प्लस उसमें प्रॉफिट्स भी होते हैं हमारे. ये तो है नहीं हम लॉसेस में सेल करते हैं, उसमें प्रॉफिट्स भी होते हैं. सो इन द केस ऑफ ट्रेडिंग, जब आप स्टॉक सेल करते हो, मीन्स आपके पास स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, जब आप सेल करते हो आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे विद प्रॉफिट्स. अगर आपको थोड़े प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करो. इट डजंट मीन दैट यू शुड वेट इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग फॉर फ्यू डेज. ओके, कलेक्ट मनी एज अ बिजनेस और विड्रॉ दैट मनी. आप अपना प्रॉफिट्स विड्रॉ करो ताकि उसको री इन्वेस्ट करो या अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करो. सेकेंड, स्टार्ट विद वन ट्रेड पर डे. आपको डेली का, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जो डेली बाइंग सेलिंग करते हैं और फ्यू डेज का आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो आपको एक दिन में बहुत सारे ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है. स्टार्ट विद ओनली वन ट्रेड पर डे एंड यू नीड ओनली, आपको सिर्फ कुछ फ्यू विनिंग ट्रेड्स चाहिए, नॉट एवरी ट्रेड. आपको कुछ फ्यू विनिंग ट्रेड्स चाहिए जिससे आपके जो बाकी के लॉसेज हैं उससे फ्यू विनिंग ट्रेड्स से कवर हो जाएं. ओके, स्टार्ट विद ओनली वन ट्रेड पर डे. डोंट जंप इन टू बाय दिस स्टॉक दैट स्टॉक, दैट विल मेक मोर डिफिकल्ट इन योर ट्रेडिंग. थर्ड, मेक जर्नल. मेक जर्नल ऑफ एवरी, मेक जर्नल मीन्स अगर आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो, कोई भी स्टॉक सेल कर रहे हो, यू शुड हैव योर रिकॉर्ड्स. हम बिजनेस में, हमने फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फाउंडेशन, ट्रीट लाइक अ बिजनेस. हम बिजनेस में क्या करते हैं, अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कोई आपका रिटेलिंग का काम है, होलसेल का काम है, हमारे पास एक स्टॉक होता है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास इतनी टी शर्ट्स इस साइज़ की इतनी क्वांटिटी है ना, या इतनी हमारी मेडिसिन इतनी क्वांटिटी है, या हमारे पास कोई मान लो स्पेयर पार्ट है तो उसका हमारे पास स्टॉक होता है कि इतनी क्वांटिटी हमारे पास पेंडिंग है. तो सेम इन द केस ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट्स, आप अगर कोई स्टॉक बाय कर रहे हो तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए. ओके, जो आपका डीमैट अकाउंट होता है उसमें रिकॉर्ड होता है, बट आपको अपना पर्सनल रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना होगा, जिसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि मैंने इस डेट को बाय किया. फॉर एग्जांपल, रिलायंस का स्टॉक बाय किया, 10 स्टॉक बाय किए, उसमें से 5 सेल कर दिए, 5 आपके पास पेंडिंग है. सो दैट लाइक दैट. एंड उस टाइम बाय करने वक्त आपका इंटेंशन क्या था, आपने क्यों बाय किया, या आपने खुद के एनालिसिस के बेस पे या किसी के फ्रेंड के कहने पे, तो ताकि एंड में जब आप सेल करो उसको आपको एनालाइज करो, सारे आपके जो ट्रेडिंग जर्नल में आपने स्टॉक्स लिखे हुए हैं, क्या मिस्टेक्स आपने करी सेल करने वक्त, तो वो एनालाइज करके आप अपनी मिस्टेक से भी सीख सकते हो कि क्या आपने मिस्टेक्स करी. सो थर्ड, मेक जर्नल. फोर्थ, टेक टाइम. मैंने हमको बोला कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम माइनस और ज़ीरो इन ट्रेडिंग. जैसे बिजनेस में भी प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं, ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं. मान लो आपके पास आपको लॉस हो गया, अभी आप ज़ीरो पे हो. सो स्टार्ट विद लर्निंग द मार्केट्स. आप अपनी जर्नी अभी मार्केट्स को सीखने में लगाओ. ठीक है, अगर आपने मनी बोरो की हुई है किसी से, आपने किसी से पैसे बोरो करके आप वो स्टॉक मार्केट में हार गए हो, लॉस हो गए हैं, तो देन आस्क द पर्सन हु फ्रॉम होम यू हैव बोरो, टेक सम टाइम. आप उनसे कुछ टाइम लो, मार्केट्स को एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो, देन स्टार्ट योर जर्नी इन स्टॉक मार्केट्स. सो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू गेम प्लान. नंबर वन गेम प्लान. इन द फर्स्ट फाउंडेशन आई हैव टोल्ड यू देर आर फ्यू प्रोसेसेस. हर चीज का एक प्रोसेस होता है. ट्रेडिंग ऑल्सो हैज अ प्रोसेस. वट इज दैट प्रोसेस? ट्रेडिंग प्रोसेस इज बेसिकली, सबसे पहले आप लर्न करो, मार्केट्स को सीखो कि मार्केट्स में एक्चुअली है क्या, कैसे मार्केट्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसका सीखो, उसमें टेक्निकल एनालिसिस जिसमें आप लर्न करोगे व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, फंडामेंटल एनालिसिस, लर्न ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सो दैट योर बेस इज़ वेरी स्ट्रांग. नेक्स्ट, डू पेपर ट्रेड. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डू पेपर ट्रेड. पेपर ट्रेड मीन्स, अगर आप do not jump and directly buy sell into stock markets, first of all do a rough, एक rough notepad ले लो,
अज्यूम करो कि आपने स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट करनी है, राइट इट डाउन ऑन योर नोट पैड. डू नॉट इन्वेस्ट योर रियल मनी इन टू स्टॉक मार्केट. आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लो कि अज्यूम करो कि मैंने इस पे बाय किया है, वेट फॉर दैट, उसका वेट करो, अगर आपको प्रॉफिट्स होता है, लॉस होता है, आपने क्या स्ट्रेटजी यूज़ करी उसको एनालाइज करो. कुछ 20, 25, 30 ट्रेड ऐसे आप लो, उसमें वो पेपर ट्रेड करो, देखो उसमें एंड में आप प्रॉफिट्स में हो रहे हो, लॉसेस में हो रहे हो, या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको दोबारा से लर्न करो. नेक्स्ट, आफ्टर पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेड करने के बाद टेस्ट रियल ट्रेड. फिर आप अपना थोड़ा बहुत पैसा मार्केट्स में इन्वेस्ट करो. स्टार्ट विद 10,000 रुपीज़. इफ यू आस्क मी, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, नए हो स्टॉक मार्केट्स में, 10,000 से स्टार्ट इन्वेस्टिंग करो. तो उसके बाद थोड़े बहुत प्रॉफिट्स लॉसेस देखो, 400 to 500, 1,000 हर ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस लगा के चलो. एंड रियल ट्रेड में टेस्ट करोगे, आपको एक्सपीरियंस होएगा कि मार्केट्स कैसे वर्क करती हैं, कैसे प्रॉफिट्स लॉसेस होते हैं. एट द नेक्स्ट प्रोसेस आपको प्रॉफिट्स होते हैं. इन केस अगर आपको लॉसेस होते हैं, if you are in losses, then again there is a process to learn, then again do paper trade, again test real trade, again then profits. जितनी देर तक आप profits में नहीं आते, follow this process. अगर आप losses में हो, learn the markets, learn from your mistake, make a journal, paper trading, उसमें देखो क्या mistake आपने करी, फिर test real trade, then profits. Till then, do this process. So this is the trading process which जब मैंने start करा, sometimes I use this and it really works. Try this out and I hope this will help you out. Second game plan is, I hope you like this video and I hope what I have shared with you added value to your life. If you found this video useful, if you are watching this on YouTube, please subscribe and hit a like button below this video and share your learnings, biggest learnings जो आपने सीखा इस वीडियो से नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ. अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हिट लाइक बटन. ओके, एंड मेरा एक फेसबुक VIP ग्रुप है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ज्वाइन करो फॉर मोर यूजफुल वीडियोज. थर्ड, ज्वाइन माई लाइव वेबिनार. आई एम डूइंग अ लाइव वेबिनार वेयर यू कैन गो, यू कैन गो टू youthgrowhub.com. वहाँ पर जाके आप अपना वेबिनार के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आई विल शेयर विद यू माई BE टेक्निक, बिल्डिंग एम्पायर टेक्निक. वो यूज़ करने के बाद यू विल बी एबल टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स एंड देर आर फ्यू फ्री बोनसेज ऑल्सो. सो ज्वाइन दिस वेबिनार एंड आई विल सी यू लाइव. सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई होप यू फाउंड दीज वीडियोज़ यूजफुल. And thank you so much. See you in the next video.